कुछ ही देर में दूल्हा दुल्हन आ गए हैं, हम एंट्री करने वाले हैं, लेकिन एंट्री से पहले मैं आप कुछ जितने भी लोग हैं सबसे फ्रेंडशिप करना चाहूंगी। हमारी इंडस्ट्री में अजहर भाई को कौन नहीं जानता, मतलब ही इज अ मेंटर इंस्पिरेशन और मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। मुझे अभी भी याद है जब मेरा पहला शो था, मैंने सबसे पहले अजहर भाई को फ़ोन किया था कि मैंने बहुत साल पहले थे ना, मैंने कभी संगीत नहीं किया है, कभी हल्दी नहीं की है, कैसे करना है। उन्होंने मुझे इतना हेल्प किया, इतना हेल्प किया कि उनकी वजह से आज मुझे बोला जाता है कि वन ऑफ द बेस्ट वेडिंग एमसीज इन द इवेंट इंडस्ट्री। तो यू नो आई ओ हिम अ लॉट और वो बहुत ही अच्छे इंसान है, बट यू नो टुडे ही इज ऑल्सो ऑन वर्क। तो चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं। ये बताइए, जब भी आपके घर पे कोई भी शादी का इनविटेशन आता है, घर में शादी होती है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? मुझे मस्ती वाले जवाब चाहिए, खाना हमारी आपकी बहुत पटेगी। तो मैं जब भी आपके पास जाऊंगी तो प्लीज अपने अपने नाम से शुरू कीजिएगा। यस सलाम वालेकुम, बहुत अच्छा बोल दिया। मैं नेहा का मामा हूँ आरिफ काजी, अजहर का चाचा हूँ आरिफ काजी, और मैं अपनी तरफ से काजी फैमिली की तरफ से तमाम पाटनकर फैमिली और उसके जितने भी रिश्तेदार हैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। तालियां आपके लिए। मैं दुआएं करता हूँ कि ये जो मेरी भांजी ना नेहा और मेरा नाजिर, दोनों की जोड़ी अल्लाह ताला सलामत रखे, हंसी खुशी रखे, आमीन। एक शेर के साथ मैं इसका आगाज करूंगा और आपके जवाब का मैं वो दूंगा, जहां सब सवाल का जवाब दूंगा। आप इस महफिल में आकर रौनक जो बढ़ाएंगे, आप लोग इस महफिल में आकर रौनक जो बढ़ाएंगे, अरे फूल क्या चीज है, हम तो दिल बिछाएंगे। फिर से एक बार सबका मान लो इस्तेमाल। और आपने ये सवाल पूछा कि शादी का जब कार्ड आता है तो क्या, तो लोग खाने पर जरूरी है, क्या खाना होगा। कि मैं भी यहाँ आया तो मैं पूछा भाई पहले मेन्यू बताओ कि क्या मेन्यू है, कि मैं चिकन नहीं खाता, मटन नहीं खाता। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि जो लफाफा भरना है इन लोग, वो कितने का भरना है। और बकरे से याद आया, आपको क्या लगता है शादी में सबसे ज्यादा कौन हलाल होता है? शादी में अरे भाई सबसे ज्यादा हलाल तो कोई मुर्गियां हलाल होती हैं और कुछ लोग बकरे को हलाल करते हैं। मैं हमारे अजहर भाई के ससुर और ससुर उनकी सास का इस्तकबाल करता हूँ यहाँ पर। आइए आइए सरंग का आइए, उठ वाला फैमिली, क्यों अजहर भाई यहाँ होते तो कुछ और बात होती, कल मिलेंगे आपको और हलाल तो मैं नहीं होगा। क्यूट सी स्माइल माशाल्लाह, आपके घर में क्या आता है? खाना तो यस खाने से ही आज ये लगता है कि इन्हों काजी परिवार का दिल बहुत बड़ा है और वो देखेगा कि शौर्य करेगा कि यहाँ पे हर कोई अच्छे से खाए पिए एंजॉय करे क्योंकि सबके जवाब सेम है लेकिन इससे दुबई का खाना कि इंडिया का खाना ओके ओल से आए हैं यहाँ पर अच्छा दुबई हाँ दुबई का तो हो नो शावरमा अरबी खेसा इंडिया का खाना इंडिया का खाना। घूमना मजा एंजॉय करेंगे तो ये जब हम गर्ल्स लोग सब यू नो ठुमके लगाएंगे एंजॉय करेंगे तो जितना शर्मा जी को जरूर खींचेंगे। आपके जहन में क्या आता है शादी सुनते ही? अस्सलाम वालेकुम, मैं तो ये जो 60 प्लस है वो ये सोचते हैं कि हम किस तरह वहाँ पहुँचेंगे। लेकिन ये है वो लोग उनके वजह से ना महफिल में मिठास आ जाती है क्योंकि वो लोग स्वीट 60s होते हैं और उनके ब्लेसिंग से उनकी दुआ से हर निकाह कामयाब होता है। हाँ वही है, जाना ज़रूरी है। तो चलिए सबका मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, लेकिन जिसने मुझे सबसे पहले कहा खाना तो यहीं पर पेश कर रहा हूँ। आपसे गुजारिश करूंगी एक बार फिर से शायरी हो जाए। शादी से सबसे पहला ख्याल तो ये है कि ये आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी सुन्नत है और ये अदा हो गई। और एक रिवाज है कि भाई लड़की की शादी होती है अपने ससुराल जाती है, ये पहले से चला आ रहा है हुजूर के ज़माने से।
वरना कोई अपनी बेटी को ससुराल भेजता ही नहीं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बात करी ये, मतलब आई कुछ से कि हर डैडी के दिल की बात थी। जितने भी यहाँ पे डैडीज है सबके मन में से यही होगा कि सबसे पहले तो हम खुद जानते हैं कि ये अपने प्यारे हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और इसी वजह से हमें ये रिवायत भी करनी पड़ती है और बहुत ही प्यारी सुन्नत है। तो अंकल जी ये सुन्नत को फिर से एक बार दोहराने के लिए, हम सबको फिर से इल्म में डालने के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ और आपका मुंह मीठा करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच अंकल के लिए, ढेर सारी तालियां प्लीज। आपको आपके मोबाइल में ज्यादा से ज्यादा फोटो खींचनी है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा अलग अलग लोग होने चाहिए। बेसिकली ज्यादा फोटोज होनी चाहिए, मतलब एक से ज्यादा फोटो आपको क्लिक करनी है अलग अलग लोगों के साथ। अगर अभी अपने मामा जी के साथ क्लिक करी तो चाचा जी के साथ, लेकिन इसमें एक शर्त यह है कि दोनों परिवार वाले होने चाहिए। काजी सिर्फ काजी का निकाह ऐसा नहीं होना चाहिए, हम दोनों परिवार अब तो एक हो गए हैं। तो मेक श्योर हर फोटो में कोई ना कोई हो जिसने ज्यादा से ज्यादा फोटो क्लिक किया, क्योंकि ताकि हम अगर अगले साल भी हमारे मोबाइल की गैलरी देखे तो हम यहाँ से जब जा रहे हैं तो बहुत सारी मीठी यादें लेके जाएंगे। तो चलिए एक 10 सेकंड का गेम है, 10 सेकंड में जितनी जिसके पास फोन है सबको फोटोज क्लिक करनी है, सेल्फीज भी क्लिक कर सकते हैं, जिसने ज्यादा से ज्यादा क्लिक करी वो जीत जाएगा। लेकिन अगर आपके पास फोन है और आपने क्लिक नहीं किया तो हम आपका फोन लेंगे और उसे भेंट में बांट देंगे। तो इसके मतलब फोटो खींचना बहुत जरूरी है, ठीक है? 3, 2, 1 सचिन जी प्लीज म्यूजिक बजाइए। कोई है यहाँ पर भाई, या आपका भी कैमरा शर्मा गया? आइए आइए बताइए बताइए, यहाँ से भी इवन यू आर क्लिकिंग ना बेटा, आप भी देख रहे हो। आपका भी कितने प्राइस है? एक ही प्राइस है जी, लेकिन अच्छी अच्छी होनी चाहिए ना। आप संचालक? नहीं नहीं संचालक और एक फोटो ऐसा है कि उसको अवार्ड लाजिम मिलना चाहिए फोटोग्राफी का। आपका नाम? सामिया। ये सामिया जी के लिए ढेर सारी तालियां। नेहा की खाला है, मेरी बहन पांजी है, बेटी है, बहुत सारी दुआएं नया नाजिल के लिए हमारी तरफ से। सामिया जी के लिए ढेर सारी तालियां। अरे टैक्स नहीं लगेगा, तालियां तो बजा सकते हो। वर्ड्स बताने जैसे हल्दी हो गई, मेहंदी हो गई, निकाह हो गया 10 सेकंड में, खाना हो गया, जो भी चीज यू नो मंगनी हो गई, जो 10 सेकंड में मुझे ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स बोल सकता है वो जीत जाएगा। कौन खेलना चाहता है? कहाँ से कहाँ से? यहाँ से यहाँ से ऐसे ऐसे अच्छा, इन्होंने कही स्वागत, उसे बहुत ही प्यारी चीज है, मतलब कहते हैं कि उस रात को अल्लाह से जो भी मांगो, लड़का या लड़की जो भी मांगते हैं उसे जरूर मिलता है। तो जिनका निकाह नहीं हुआ है वो ये चीज जरूर ध्यान में रखें, जिन्होंने कहा अभी फर्स्ट नाइट ऑफ यस, फर्स्ट नाइट में हम वो चीज जरूर याद रखेंगे कि फर्स्ट नाइट के दिन हमें ढेर सारी दुआ भी मांगनी है, क्योंकि जो मांगो अल्लाह ताला जरूर अता फरमाएंगे। एंगेजमेंट 5, हल्दी
मेहंदी सागर पूरा मेहंदी एंगेजमेंट वाला ओके सात आइटम्स बोली बहुत ही बढ़िया ये ग्रुप ने और दूसरा ग्रुप कोई पार्ट लेना चाहेगा कौन सी चीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है शादी में आपके हिसाब से और दूल्हा दोनों साथ में रहेंगे खुश रहेंगे इतना ही मेरे को चाहिए बस माशाल्लाह ढेर सारी तालियां होनी चाहिए ये तो बहुत ही बढ़िया जवाब हो गया कि इन्हों सब चीजें तो चाहिए लेकिन आपने तो दूल्हा दुल्हन कहा ही नहीं शादी में सारी चीजें का गिनवा था लेकिन दूल्हा दुल्हन गिनवाया नहीं आपने तो की पॉइंट्स गिनाए हैं प्लीज हमारी ओर से छोटा सा मुंह मीठा कर दीजिए थैंक यू सो मच आंटी जी थैंक यू दूल्हा दुल्हन दूल्हे के माँ बाप दुल्हन के माँ बाप ढेर सारा पैसा बैंक बैलेंस हल्दी मेहंदी शॉपिंग कपड़े लहंगा चूड़िया बिंदिया ऑर्नामेंट्स हो गए 11 आइटम्स इन 10 सेकंड्स इनका कोई रिकॉर्ड तोड़ सकता है कम ऑन एनीबॉडी आप लोग इनको हेल्प कर सकते हो सॉरी ओके सो मेहंदी चूड़ी लहंगा मेकअप हेयर स्टाइल शॉपिंग हल्दी नाइन आइटम्स बहुत ही बढ़िया इनमें से सारी चीजें रही या ज्यादा से ज्यादा चीजें रही वो जीत जाएगा ठीक है तो सबसे पहले आज के दिन की कोई भी फोटोग्राफ आज के दिन की सबसे पहले आपके फोन में होनी चाहिए चाहे आप गाड़ी में बैठे हो या यहाँ पर हो उसके अलावा एनी सोशल नेटवर्किंग वेब ऐप जैसे फेसबुक हो गया यूट्यूब हो गया ट्विटर हो गया एनीथिंग एज सच दूसरा तीसरा नेहा या नजील के साथ एक आधा फोटोग्राफ आज की या पहले की तीन चीज़ ये हो गई चौथा आपके मोबाइल में कॉन्टैक्ट जिसका नाम एन से शुरू होता है चार चीज़ आई रिपीट आपकी आज के दिन की कोई भी फोटोग्राफ दूसरा कोई भी सोशल नेटवर्किंग ऐप जैसा स्नैपचैट इंस्टा फेसबुक नाजिल या नेहा के साथ एक आधी फोटोग्राफ और फोर्थ चीज़ आपके पास आज के दिन में किसी को आपने एन से कॉन्टैक्ट किया था उसके अलावा पांचवी चीज़ आपके मोबाइल में एनी मोर देन 1000 फोटोज उसके अलावा पॉइंट नंबर 6 आपके मोबाइल में आपकी क्रश की फोटो आप क्या सोचे जो मैरिड है मैं उनकी वाइफ के बारे में बात कर रही हूँ और जो कुंवारे वो क्या सोच रहे ओके मेरे हिसाब से जो लड़कियां हैं उनका सबसे पहला जो प्यार होता है जो फर्स्ट लव होता है वो होते हैं इसके डैडी और जो लड़के होते हैं उनका होता है फर्स्ट लव होते हैं उनकी मॉम तो यू ना आपके पास आपके क्रश की आपके पेरेंट्स की फोटो उसके अलावा एक अनरीड मैसेज कोई भी अनरीड मैसेज आपके फोन में अनरीड तीसरा सबसे कम बैटरी आज सुबह से इतने लोगों को फोन कर दिया तूने खाना खाया कहाँ है ये किधर है वो किधर है सबसे कम बैटरी तो ये सारी एलिमेंट्स किसके फोन में है आ जाइए एनी फोटोज ऑफ योर चॉइस सुबह से आए होंगे क्लिक तो करी होगी ओके दे 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 उसके अलावा कोई भी सोशल नेटवर्किंग ऐप हाँ वेरी गुड और नेहा नाजिल के साथ एनी फोटो ये दोनों में से किसी एक के साथ भी अच्छा बैटरी 18% से किसी की लो बैटरी इनके पास सारे एलिमेंट्स है 18 से लो बैटरी लास्ट हाउ मेनी 17 एन फॉर ना नेहा नाजिल नाजिल के साथ फोन किया था ओके व्हाट्सएप अच्छा ये तो आईफोन वाले मैं तो स्मार्टफोन मुझे तो पता ही नहीं चलेगा ओके कैसे पता चलेगा कितनी बैटरी है ज्यादा है हाँ इनकी पूरी गायब है अच्छा कितनी अच्छा आपकी कितनी बैटरी है हुज आईफोन यूजर यहाँ पर कौन है आईफोन यूजर यहाँ पर प्लीज बताइए अच्छा आप मुझे बता सकते हैं उनके फोन में कितनी बैटरी है आ जाइए आप यहाँ पे आप बता सकते हैं उनके फोन में कितनी बैटरी है नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे अच्छा नीचे स्क्रॉल करके देंगे तो पता चल जाएगा 4% वाह कांग्रेचुलेशंस एंड वी हैव टू विनर्स इन दिस राउंड इन दोनों के लिए तानिया और व्हाट्स योर गुड नेम आपका नाम मानवी और आपका रोहन मानवी है आपके लिए रोहन ये बताइए चॉकलेट आप किसके साथ शेयर करेंगे अकेले ही खाओगे ओके अच्छा अगर आपका ग्रुप मुझे उसमें परफॉर्म करके बता देना बचपन का प्यार मेरा तो आई हैव लॉट्स ऑफ प्राइजेस करोगे पूरा ग्रुप वहीं पर बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना है वैसे आपका बचपन का प्यार कौन है
ऋतुजा ये तो सच में जवाब ही दे रहे हैं, हमारे हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। ये लीजिए, कैन आई हैव द एंटायर ग्रुप देयर, दैट दिस सॉन्ग इज डेडिकेटेड टू ऑल ऑफ यू, प्ले द ट्रैक। बात दरअसल ये है कि उस ग्रुप का आपने एक सवाल पूछा कि जवान बचपन का प्यार, बचपन का प्यार राइट। मेरी जिंदगी में ऐसा इनकलाब आया, मेरी जिंदगी में ऐसा इनकलाब आया, अरे जवानी में खत लिखा था, बुढ़ापे में जवाब आया। खैर एक शेर, एक वो शेर ये था खास कल के लिए कि आप लोग इस महफिल में आकर रौनक जो बढ़ाएंगे, आप इस महफिल में आकर रौनक जो बढ़ाएंगे, अरे फूल क्या चीज है, हम तो दिल बिछाएंगे। एक आप तमाम लोगों के लिए, क्योंकि आजकल आज की जिंदगी बड़ी कठिन है, दो साल से हम बड़े परेशान, हर इंसान शमा बुझने के बाद फिर से जल सकती है, शमा बुझने के बाद फिर से जल सकती है, हदे तूफान से गुजर सकती है, मायूस न हो अपने इरादे ना बदल, तकदीर किसी वक्त भी बदल सकती है। थैंक यू, थैंक यू। आपकी फैन हो गई सीरियसली, मैं भाई शादी में नाची थी, तो भाभी आ रही थी, आप एक लाइन, एक लाइन। अच्छा आप बताइए कौन सा गाना गाना, एलियम मेहंदी लगा के, एक लाइन गाइए ना, एक लाइन ना मेहंदी लगा के सुना, एक लाइन ठीक है दूंगा साथ में, तब से आएंगे मेरे दूल्हे राजा, वहां पे कोई गाएगा, कम ऑन एनी ट्रैक ऑफ योर चॉइस। गुड़िया रे गुड़िया तेरा गुड्डा परदेसिया, छोरी आसमानी हो गई दुआ में, देखो शादमानी हो गई। हाँ वैसे ही ना, मराठी हमारी राष्ट्रीय महाराष्ट्र की भाषा है, कैसे भी करके हम पढ़ लिए पास हो गए। माय नेम इज सोनल एंड आई एम हिज राखी सिस्टर। The song is this. Gori gori par phula sa ki chhan, gori gori par phula sa ki chhan, dada mala ek vaini aay, dada mala ek vaini aay. Wonderful, wonderful. मुझे समझ गया कि भाई ने हमारी भाभी लिखे वही नहीं राइट। हाँ मुझे समझ गया, बहुत ही प्यारा था। एनीबॉडी फ्रॉम दिस साइड कम ऑन। क्रश मियां का कोई बाथरूम सिंगर भी होता है तो कोई भी नहीं भागे सीरियसली, बल्कि मैं तो खुद बाथरूम सिंगर हूँ। देखते मुझे देखना है आपको सबसे बेसुरा सिंगर कौन है, उसको प्राइज मिलेगा। चलिए बेसुरा होना आसान नहीं है। चलिए एक्चुअली मैं सलवा हूँ, नाजिल भाई की छोटी सिस्टर। छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया आज बने हैं किसी के सैया। थैंक यू, वंडरफुल। यहाँ पे कोई एक लाइन, एक लाइन सर, आई फील यू कैन से, ऐसा हम चेहरा पढ़ लेते हैं। ले जाएंगे, ले जाएंगे दुलवाले दुलनिया, ले जाएंगे दिल वाले दुनिया ले जाएंगे। वंडरफुल यार, यहाँ पे तो एक से बढ़कर एक टैलेंटेड लोग हैं। जिसकी भी शादी में दोस्त जाते हैं, दोस्त ने यही गाना गाना चाहिए। जिसकी शादी में जाना उसको इतना समझाना, न कर शादी न बर्बादी फिर न पछताना। आपने तड़का लगा दिया,
बहुत ही प्यारा था, सीरियसली यू डिजर्व अ प्राइज। आपका नाम सर? आशीष। आशीष जी बहुत ही बढ़िया गाए। वहां से कोई अभी कम ऑन काजीज। नवराई माजी लाड़ा ची ग, आवड हिला चंद्रा ची ग, नवराई माजा नवसाची ग, अप्सरा जसी इंद्रा ची ग। वंडरफुल, तालियां बजाते रहिए, अंसी से माहौल बना रहेगा, बहुत ही बढ़िया था। तो चलिए अभी इंतजार हुआ खत्म, कैन वी हैव अ कपल एंट्री नाउ? बना ऊपर से लेकिन नीचे पूरा येलो। एनीवन एनीवन एनीवन, आप किसी को भी दे सकते हो। अच्छा अच्छा, सोनल अभी आपको ये उसे देना है क्योंकि हल्दी के बाद होती है हमेशा मेहंदी, जिसका पास थोड़ा भी ग्रीन कलर हो। ओके, यहीं के आसपास हो रहा है। अच्छा, अभी आपको ये इसे देना है जिसने आज उसके बाद होता है, दैट इज शादी का जोड़ा, दैट इज होता है लाल कलर, अ सिंबल ऑफ लव। एनीबॉडी विद रेड? या या या, छोटी बच्ची को दे दे। तो चलिए, बच्ची को हमने चॉकलेट दे दिया है। अभी गेम कंटिन्यू करेंगे लेकिन हम दूसरे चॉकलेट से करेंगे, बच्ची के लिए ढेर सारी तालियां हो जाए। शी इज आल्सो अ विनर। एनीबॉडी एनीबॉडी, सबसे ज्यादा ज्वेलरी पहनी? ओके ओके ओके, जरूरी गोल्ड इमिटेशंस, एवरीथिंग वर्क, डायमंड्स, बुलेश्वर स्टफ, सब चलेगा। कहां पर? हां, यस यस यस, हां, इसे सही करवा ले। कौन के पास है? ओके ओके, जिनकी आपको यू नो सैंडल या चप्पल्स बहुत ही प्यारी लगी हो। ओके, ये अभी आपको इनको देना है जिन्होंने डायमंड रिंग पहनी है विद द जो पेंडेंट होगा, जो डायमंड रिंग होगा उसमें जो पेंडेंट होगा वो पिंक या रेड कलर का होना चाहिए। सारी तानिया शी इज द विनर ऑफ दिस राउंड। हु एल्स कैन डू इट? इट्स अ सिंपल गेम। Come on. Okay. This gang. बहुत ही सिंपल है, खाली इसे माउथ में रखना, खुद से ब्लो हो जाता है। आ जाइए आ जाइए, कम कम कम, वंडरफुल। हाँ भी आने वाली है, आ जाइए। हाँ, इनसे कैसे किया ये? Okay. सब एक साथ आ जाएंगे। ओके, जैसे मैं कहूंगी अनमा गेट्स इट गो, आपको इसे माउथ में रखना है और उसको ब्लो करना है। ट्राई, 1, 2, 3, 4 आपका नाम? सना। आपका नाम? मिराज। आपका नाम? आलिया। आलिया। और आपका? नसीमा। नसीमा। वी हैव 4 विनर्स। इन चारों के लिए ढेर सारी तालियां। द प्राइजेस आर ऑन द वे।
जाके भी शादी वाली कुड़ी Thank you.